नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने आज इंदौर में कोरोना को लेकर की जारी सख्ती के खिलाफ पत्रकारों के समक्ष अपनी बात कही और कहा कि शहर में अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जब ये साबित हो गया है कि लॉकडाउन से कोरोना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो भी लॉकडाउन कर लोगों को रोजी रोटी से दूर किया जा रहा है। उन्होंने सीधे साधे से ये कहा कि इंदौर की प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को अपने चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है और वो सुबह से ही चुनाव प्रचार करने निकल जाते हैं। उनके स्थान पर मंत्री उषा ठाकुर को इंदौर का प्रभारी मंत्री बनाया जाए ताकि वह कोरोना की रोकथाम को लेकर कुछ निर्णय ले सके। निगम द्वारा की जा रही ठेलों को हटाने की कार्यवाही को लेकर भी चेतावनी दी गई और यह सब बंद होना चाहिए। पिछले 5 महीने से लगातार जनता एक लंबे लॉकडाउन का प्रभाव झेल रही है और हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीने में सारे व्यापार धंधे दुकानें नौकरियां सब समाप्त हो चुकी हैं। आज लोगों के सामने अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए भी आर्थिक आधार नहीं बचा है। तो आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से निवेदन किया है कि सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। आप रोज़ आधे दुकान बंद रहेगी, सामने की बंद रहेगी, पीछे की बंद रहेगी की बजाय, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको 2 दिन लॉकडाउन रखना है तो शनिवार रविवार पूरा लॉकडाउन रखिए, जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन बाकी 5 दिन उनको काम करने का अवसर दीजिए। अगर वो 2 पैसे कमा नहीं पाएंगे तो बिजली के बिल, बच्चों की फीस और अपने खाने पीने का सामान भी खरीदने की स्थिति उनकी नहीं बची है। ये आज हमारी मांग है। ऑनलाइन क्लास को लेकर भी आपने कुछ बातें कही है? ऑनलाइन जो क्लास चल रही है स्कूलों की, हाँ मैंने उससे कहा ना कि जिन बच्चों को 4थी 5वीं के बच्चों को आप कह रहे हो कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, एक एंड्रॉयड जो आता है या लैपटॉप आता है उसकी कीमत वो बहन कर सकते हैं क्या? आप ऑनलाइन 5वीं 4थी के बच्चों को कह रहे हो आप वो बड़ा लैपटॉप लाइए, आप मोबाइल लाइए खरीद के, ये गरीबों की बस की बात नहीं है। हॉस्पिटल में तो फुटपाथ को लेकर कुछ बात आपने कही? मैंने फुटपाथ की बात भी कही है। फुटपाथ पे जो आदमी बैठ करके दिन भर अपने परिवार को चलाने के लिए 20-25 रुपये कमाता है, मुझे ये मालूम पड़ा कि नगर निगम वाले उनको भी हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है, अन्याय है। हॉस्पिटल में लूटपाट जो मची है उसको लेकर आपने कुछ कहा है? लूटपाट से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, दुकानों के आप चालान बना रहे हैं, मास्क को लेकर के 200-250-300 का आप चालान बना रहे हैं, लूट नहीं तो क्या है? जिस गरीब आदमी के पास में 25 रुपये कमाई के दिन भर नहीं होते उसको तुम 250 रुपये का चालान बनाते हो, ये लूट नहीं तो क्या है? ये लूटपाट का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है लोगों को सताने का। आज यहाँ अगर आपने जो बातें रखी है अगर ये पूरी नहीं होती तो आपका कदम क्या रहेगा? हमारी पूरी नहीं होती, पूरी होना चाहिए सरकार से, यही तो कह रहे हैं कि पूरी करो प्रशासन से। भाई आप लगाइए ना 2 दिन का लॉकडाउन, 1 दिन का जो भी करना, लेकिन बाकी 5 दिन तो काम करने दीजिए। आखिर ये व्यापारी है ना, धंधा कैसे करेंगे? धंधा नहीं करेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, इसमें क्या है? अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।